हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लर्निंग बाय डूइंग सेशन। आज हम जो एक्टिविटी करने जा रहे हैं वो लाइव चैप्टर से रिलेटेड है, बट मैं एक्टिविटी का नाम और उसका टॉपिक आपके साथ डिस्क्लोज नहीं करूंगी। आप एक्टिविटी देखने के बाद खुद ही कंक्लूड करेंगे कि आज हमने किस टॉपिक पर बात की है। एंड फॉर टूडेज एक्टिविटी वी नीड अ रबर पाइप लाइक दिस। अपने घर के जंग से मैं बड़ी मुश्किल से ये पाइप ढूंढ के लाई हूँ, थोड़ा सा डर्टी हो गया बट कोई बात नहीं, हमारा काम चल जाएगा। एंड वी नीड अ कैंडल लाइक दिस। इस कैंडल को हम लाइट करेंगे, अभी बर्न करेंगे एंड उसके बाद हम इसकी फ्लेम को, इसकी लाइट को इस पाइप के थ्रू देखेंगे। सो आइए देखते हैं। ये कैंडल हमने लाइट कर ली है और मेरे हाथ में आपको अब एक डंडा भी दिखाई दे रहा होगा। अब आप लोग अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो ये डंडा पड़ेगा आपको। चलिए जोक्स अपार्ट, हम ये देख रहे हो आप, ये वाला पाइप बिल्कुल सीधा है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल ट्राई टू लुक एट द फ्लेम ऑफ कैंडल विद दिस पाइप। हम इसको इस एंगल पे रखेंगे। यस, इतनी अच्छी क्लियर सी दिखाई दे रही है। चलिए मैं आपको भी दिखाती हूँ। सो ये देख रहे हो आप, बिल्कुल स्ट्रेट पाइप से हम देखने की कोशिश कर रहे हैं तो हमें कितनी ब्यूटीफुल फ्लेम नजर आ रही है। अब ये वाला पाइप देखो, क्या ये स्ट्रेट है? नो, नॉट एट ऑल, ये कर्व्ड है, मुड़ा हुआ है। अब हम इससे देखते हैं। दिख जा। अरे भाई कितने एंगल से देखूं। कैंडल के बिल्कुल ऊपर रखा हुआ है मैंने, तब भी नहीं दिख रही। खैर दिस, ये वाला पाइप फ्लेक्सिबल है, मैं इसको अब थोड़ा स्ट्रेट करके, थोड़ी देर के लिए स्ट्रेट हो जाएगा फिर वापस अपनी बेंड शेप में आ जाएगा। अब मैं देखती हूँ। यस, अब देखो ये बिल्कुल स्ट्रेट है तो मुझे फ्लेम नजर आ रही है, लेकिन जैसे ही मैं इसे छोड़ती हूँ ये बेंड हो जाता है और किसी भी एंगल से मैं कोशिश कर लूँ मुझे कैंडल की फ्लेम नजर नहीं आ रही। सो दिस एक्टिविटी शोज, बताइए, मैं थोड़ा सा सेंटेंस बोलती हूँ आप उसे कंप्लीट करना। This activity shows we have concluded that light travels in dash path. क्या आएगा डैश में, ब्लैंक में क्या आएगा? सोचो। आंसर देखना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वैसे बड़ा इजी है, माइंड में आ गया होगा, कॉमेंट में लिख देना। फाइन, चलो दूसरी एक्टिविटी देखते हैं जिसमें हम कोशिश करेंगे टॉर्च की लाइट, जैसे कि हम टॉर्च की लाइट देखते हैं तो वो स्कैटर्ड सी आती है, बट हम उसे कवर करके एक पावरफुल बीम ऑफ लाइट अचीव करने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं उस एक्टिविटी की ओर। टॉर्च के लाइटेड हिस्से को, ग्लास वाले हिस्से को ब्लैक टेप से कवर करेंगे। इस तरह से हम 3-4 पीसेस इसके कट कर लेंगे सो दैट वी कैन कवर इट ऑल अराउंड। फाइन, अब हम इन टेप्स का, ये आपस में इन्हें पेस्ट कर लेंगे। सो दैट कि ये टॉर्च के हिस्से को पूरी तरह से कवर कर पाए। और हम इसके सेंटर में अब एक पॉइंटेड चीज से, लाइक मैंने सेफ्टी पिन ले लिया, इसके बीच में हम होल करेंगे। थोड़ा सा होल का साइज सिग्निफिकेंट रखेंगे। ये हमने इसके सेंटर में होल कर लिया है और अब हम इसे टॉर्च के सेंटर पे रखने की कोशिश करेंगे एंड देन वी विल पेस्ट ऑल दीज पीसेज ऑफ ब्लैक टिप ऑल अराउंड। बहुत टाइटली इसे कवर कर देंगे सो दैट लाइट कहीं से बाहर ना आ पाए। अब मैं स्विच ऑन करूंगी। I'm going to create darkness in the room. यहां आप देखो बिल्कुल एक पावरफुल बीम छोटे से होल से निकलती हुई लाइट आ रही है, बट अब मैं इसके ना ये साइड वाले हिस्से को भी कवर करूंगी, देन वी विल सी द इफेक्ट। ये दिस इज हाउ आई एम गोइंग टू कवर द साइड पोर्शन। इसके बाद देखते हैं कि अब ये कैसा इफेक्ट देता है स्क्रीन पे। माई व्हाइट बोर्ड इज एक्टिंग एज द स्क्रीन दिस टाइम। लाइट अभी भी ऑन है, ये देखिए। यस, दिस इज हाउ हमें एक पावरफुल बीम मिलता है लाइट का, बट ये एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जा रही है ये लाइट।
एंड यू कैन कंसिडर इट एज अ रे ऑफ लाइट. बहुत सारी रेज मिलकर के एक बीम बनाती हैं. सो एक ये पावरफुल बीम का काम करता है. इस तरह से जब हम टेप लगा देते हैं, कवर कर देते हैं टॉर्च को और बीच में एक छोटा सा होल छोड़ देते हैं. आई होप आप इन एक्टिविटीज के थ्रू एंजॉय कर रहे हैं और साथ ही साथ लर्न भी कर रहे हैं. सो जल्दी ही मिलते हैं कुछ और एक्टिविटीज के साथ. सो टिल देन गुड बाय, गुड लक.